इधर लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना ने सेना में अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को शामिल कर लिया है। समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव और चीन की हरकतों पर भी नजर रखी जा सकेगी। समंदर में सेना का जटायु, समुद्री लुटेरों की अब खैर नहीं। चीन की हर चाल पर भारतीय नौसेना की होगी नजर। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना ने सेना में अपने नए नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु को शामिल कर लिया है। समुद्री लुटेरों पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से मालदीव्स और चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। मिनिकॉय में बने आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस से मालदीव्स की दूरी मात्र 524 किलोमीटर है और आइलैंड पर मौजूद एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल फाइटर जेट्स और भारी विमानों के लिए किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बुधवार को नए अड्डे की शुरुआत की। आईएनएस जटायु की शुरुआत के बाद उन्होंने कहा कि अड्डे का नाम रामायण के उस पात्र के नाम पर रखा गया है जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। बहुत एक इम्पोर्टेंट नेवल बेस का इनॉग्रेशन हो चुका है, कमीशन हो चुका है। कितना ज्यादा ये आईएनएस जटायु हमारे डेटरेंस को उस तरफ बढ़ाएगा? ये आईएनएस जटायु जो है ये हमारा एक वेस्टर्न सीबोर्ड में एक सदर्न मोस्ट आइलैंड पे कमीशन हो रहा है, मिनिकॉय आइलैंड में। तो इसके पास से ही जितना मर्चेंट ट्रैफिक है वो इसे इसके थोड़ा सा साउथ से निकलता है। तो यहाँ अभी इस यूनिट को कमीशन करने से हमारा जो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और जटायु का नाम भी पुराने टाइम से फेमस है, जो रामायण में भी है। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस के निर्माण से चीन की नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो गया है। ये बेस फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य युद्धक जहाजों को तैनात करने में सक्षम है, जो क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो सुएज कैनाल और फारस की खाड़ी से आने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, जो सुंदा और लोम्बोक जल डमरू मध्य की ओर जाने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दोनों चैनल्स में मजबूत सुरक्षा और निगरानी दस्ता होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय में नौसैनिक बेस इन दोनों चैनलों पर नजर रखने में मदद करेगा। असल में मिनिकॉय में 1980 के दशक से ही भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी थी, लेकिन आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा। इस अड्डे से नौसेना की टुकड़ी की मूवमेंट बढ़ेगी और ये पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और ड्रग्स के खिलाफ अभियानों में तेजी आएगी।